जाओ अयूब खान के ऊपर आ जाओ, पहले बायोग्राफी के ऊपर कर लेते हैं फटाफट इसको, आई विल जस्ट गो थ्रू इट वेरी क्विकली। पैदाइश आपके सामने दी हुई है May 14, 1907, ठीक है। NWFP में पैदा हुए, आज NWFP को कहा जाता है KPE के, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ा, अगेन इसको लिंक कर सकते हो टू द एफर्ट्स ऑफ सर सैयद अहमद खान, ठीक है। ब्रिटिश आर्मी में इन्होंने सर्व किया था जिस तरीके से ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने किया था, इनके बहुत सारे टाइटल्स इनको दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें से हिलाल जुर्रत एक है, ठीक है, लियाकत अली खान ने दिया था। ये क्या है हिलाल जुर्रत? हिलाल जुर्रत एक मेडल है, क्या है? मेडल है। इसी तरह निशान पाकिस्तान, हिलाल पाकिस्तान, ये डिफरेंट मेडल्स हैं जो इनको दिए गए। ये बात हमने पहले डिस्कस की है कि सर डॉगलस ग्रेसी को रिप्लेस करके अयूब खान को लाया गया था 1951 में। किसकी मिनिस्ट्री है 1951 में? ख्वाजा ख्वाजा नाजिमुद्दीन, हाँ के ना, ऑलमोस्ट जी। क्या हुआ? निजाम नहीं है, नाजिमुद्दीन है, ख्वाजा नाजिमुद्दीन। तो आप लोगों के पास पुराने नोट्स नहीं होंगे ना? हैं, मौजूद हैं, तो आप लोग अगर इसके ऊपर आके देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना, ख्वाजा नाजिमुद्दीन वाले के टाइम पर, उस पर आए, ठीक है, लियाकत अली खान वाले में, यू विल गेट दैट। पता नहीं है, अब मैंने इसको जो है ना वो रख लो अभी अपने पास, एक सेकंड में इसको देखता हूँ। चले बहरहाल आगे चलते हैं, लेकिन यहाँ पर वेरी गुड, हमारी आर्मी है उसके अंदर जो है ना वो ब्रिटिश मौजूद हैं, शाबाश, वेरी गुड। सो इस वजह से खैर बहरहाल 66 साल की उम्र में इनकी डेथ होती है 1974 में, हरिपुर केपी के जो इनका होम टाउन है वहां पर जो है वो इनकी खबर मौजूद है। किसी को कोई मसला? ये बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है अयूब खान के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहली बात ये डिस्कस करनी है, 7 मार्क के अंदर सवाल आ सकता है, ठीक है, फॉर 7 मार्क्स, व्हाई अयूब खान इम्पोज्ड मार्शल लॉ। देखो पहला रीजन ये है 1958 किसकी हुकूमत एंड हो रही है? सिकंदर मिर्जा की, सिकंदर मिर्जा का एंड चल रहा है, ठीक है, ही विल रिटायर अभी। 1958 तक हमारी जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था, ये मुझे भी है ना, तो पहला रीजन अयूब खान का मार्शल लॉ लगाने का ये था कि आप लोगों को मैंने बताया था सिकंदर मिर्जा ने पहले चौधरी मोहम्मद अली को हटाया, उसके बाद सोहरावर्दी को हटाया, उसके बाद चुंद्रीगर को हटाया, फिर उस कानून को हटाया। इसको ये कहलाती है इनकंसिस्टेंसीज। क्या कहलाती है? इनकंसिस्टेंसीज, डिसएग्रीमेंट्स। मैंने आपको कल बताए थे आपस में लड़ते थे ये जो प्राइम मिनिस्टर ये ला रहा था सिकंदर मिर्जा, ये सिकंदर मिर्जा की मेजर पॉलिसीज पर भी अग्री नहीं करते थे। कोई बोलता था वन यूनिट होनी चाहिए, कोई बोलता था नहीं होनी, कोई बोलता था 56 का कॉन्स्टिट्यूशन मानो, कोई बोलता था 56 का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानो। तो ये जो इनकंसिस्टेंसीज और इनकंसिस्टेंसीज हैं और डिसएग्रीमेंट्स की गवर्नमेंट के अंदर, ये हमारे लिए जो है ना वो मुश्किलात पैदा कर रही थी, हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिक्स जेपर्डाइज हो रही थी, हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो डिटीरियोरेट हो रही थी, खराब हो रही थी, ठीक है। ऐसी कंडीशंस में एक गवर्नमेंट आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चलता रहा। आपको लगता है ऐसी कंडीशन के अंदर कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट लॉन्च हो सकेगा? नहीं, ठीक है। तो इस वजह से अयूब खान ने बोला कि भाई अब जो है वो पॉलिटिकल टर्मोइल को कंट्रोल करने का सही वक्त है और मैं जो है ना वो मार्शल लॉ इम्पोज कर देता हूँ। तो पहली, इसको अगर मैं समराइज करूं, कोई बच्चा मुझे बोलेगा इस पॉइंट को समराइज कैसे कर सकते हैं? वीकनेस ऑफ पास्ट गवर्नमेंट, वीकनेस ऑफ पास्ट गवर्नमेंट ऑफ ख्वाजा, ओ सॉरी, ऑफ सिकंदर मिर्जा, सही है। कोई मसला यहाँ तक? इसको समराइज कर दिया, आगे देखें। सेकंड रीजन ये था, मैंने आपको बताया था कि सिकंदर मिर्जा को चैलेंज किया था सोहरावर्दी ने कि आओ असेंबली में वोट लेके देखते हैं। सिकंदर मिर्जा को पता था मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा। इसी तरीके से सोहरावर्दी ने ऑपोजिशन के अंदर पार्टीज को मिलाना, अलग अलग पॉलिटिकल ऑपोजिशन पार्टीज को मिलाकर ये बोलना शुरू कर दिया था कि भाई 1957 में तो इलेक्शंस हैं, अब हमें जो है वो एक हो जाना चाहिए और सिकंदर मिर्जा जो है वो कभी भी जीत
नहीं सकेगा। तो स्कंदर मिर्जा इस वजह से भी डर गया कि भाई सोहरावर्दी ने इतना सपोर्ट जमा कर लिया है कि हम मेरा ऐसा जिसमें कोई कोई फायदा, तो इसने, अच्छा अब स्कंदर मिर्जा को छोड़नी भी नहीं थी सीट, तो इसने ली मदद। इसने किसकी मदद ली? इसने मदद ली आर्मी की। स्कंदर मिर्जा अयूब खान के पास गया, अयूब खान को बोला आप आ जाएं। अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया, अयूब खान ने मार्शल लॉ लगा दिया। ये दूसरा रीजन था। कोई मसला यहाँ तक? तीसरा रीजन ये था, मलिक गुलाम मोहम्मद ने पहले ही अपनी मिनिस्ट्री के अंदर अयूब खान को ऑफर किया था कई मर्तबा कि आप आए और टेक ओवर कर लें। अयूब खान का ये मानना था कि पाकिस्तान के हालात अभी इतने बुरे नहीं हैं कि पाकिस्तान का टेक ओवर किया जाए, लेकिन इस्कंदर मिर्जा की मिनिस्ट्री के बाद अयूब खान को ये महसूस हुआ कि अब अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है तो उसका सिर्फ एक ही चारा है, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि हम डेमोक्रेसी और डिसिप्लिन को कंबाइन करें। तो अयूब खान ने बोला डिसिप्लिन और डेमोक्रेसी कंबाइन कैसे हो सकती हैं? सिर्फ और सिर्फ थ्रू द एजेंसी ऑफ मिलिट्री रूल। इस वजह से अयूब खान ने पाकिस्तान के ऊपर क्या लगा दिया? मार्शल लॉ लगा दिया। किसी को कोई मसला यहाँ तक? किसी को कोई इशू? ये इसका तीसरा रीजन था, ठीक है। चौथा रीजन ये था, वेस्ट पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने बड़े बुरे तरीके से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को ट्रीट किया था। जो वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस थे उन्होंने बड़े बुरे तरीके से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को ट्रीट किया था। हर जगह इनइक्वालिटीज थी, इम्पार्शियल पॉलिटिशियंस नहीं थे, जस्ट पॉलिटिशियंस नहीं थे, बैलेंस क्रिएट नहीं हो सक रहा था ईस्ट और वेस्ट के दरमियान। तो लोगों को ये पता चल गया था कि भाई ईस्ट में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोगों को इस बात का डर था कि अगर ये प्रोटेस्ट बढ़ते गए तो एट द एंड ऑफ द डे ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो जाएगा, हमसे अलग हो जाएगा। इस डर की वजह से उन्होंने क्या किया? मार्शल लॉ लगा दिया कि हम मिलिट्री रूल लेकर आए और इन प्रोटेस्ट को कम करें, इन प्रोटेस्ट को कम करें। कोई मसला? ये रीजन से ये 7 मार्क में सवाल आता है कि अयूब खान ने मार्शल लॉ क्यों लगाया, अयूब खान ने मार्शल लॉ क्यों लगाया। डज दैट मेक सेंस? किसी को कोई क्वेश्चन है?